गई है कयामत की रात। मैं हूं नागिन। तन्वी, वाह ऋतिक वाह, मेरी खुशियां उजाड़कर तुम अपनी खुशियां मना रहे हो। और आंटी आप अपने बेटे की शादी रचाकर अब आप पार्टी कर रही हैं, केक खा रही हैं आप। मानना पड़ेगा आंटी, आप जैसी दिखती हैं वैसी आप हैं नहीं। क्या खेल खेला है आपने, क्या चाल चली है आपने लास्ट मोमेंट पर। मुझे रास्ते से बाहर कर दिया और इस सड़क पर चलती हुई नौकरानी को आपने इस घर की बहू बना दी। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? शादी को खेल तो तुमने। अच्छा भाभी, खेल तो आपने खेला है और मुझे तो पता भी नहीं था कि आपको गेम्स भी खेलनी आती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? ओ कम ऑन आंटी, आप कब तक छुपाएंगी? आपने खुद मुझे बोला था कि मैं ऋतिक से शादी ना करूं। मैंने कब कहा और मैं मना क्यों करूंगी? वाह क्या ड्रामा किया है आपने, सही एक्टिंग कर लेती हैं आप। वैसे आपके और कितने चेहरे हैं? यू आर अ चीटर, यू आर अ लायर। चुप, अपनी शादी से भाग कर गई थी तुम और अब इल्जाम तो मुझ पर लगा रही हो। हा? कितना पसंद करती थी मैं तुम्हें, हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी ऋतिक से हो, लेकिन एक वक्त पर शादी से भाग गई थी तुम। अगर शिवन्या आगे आकर ऋतिक से शादी नहीं करती तो अनर्थ हो जाता। एक तो तुम ये शादी छोड़कर भागती हो और अब तुम झूठ बोल रही हो। बस भाभी, बहुत हुआ आपका। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ रम्या? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तुम मेरी जगह तन्वी माथुर की जगह लेना चाहती है? नहीं लेने दूंगी मैं। Never ever. मैं नहीं मानती कि तू इस घर की बहू है और मैं नहीं मानती ये शादी। तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। Got it? Stop it, तन्वी। ये मत भूलो कि शिवन्या अब मेरी पत्नी है और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। पागल हो गई है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है वो। अरे उस रात तो मैं उसे मिली भी नहीं थी। जब मैं उसके कमरे में गई थी तो वो वहां थी ही नहीं। शांत हो जाओ यामिनी जी, शांत हो जाओ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं बात करूंगा शैलेश रम्या से। फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ वीरेन छाया के पास। भाई साहब दिख रहे अकेले हैं वहां। आंटी जी, और आज की पार्टी एक काम करते, हम वो पार्टी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि क्योंकि वीरेन की इस हालत में ऐसी पार्टी। मैं ये पार्टी उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। हमारे गेस्ट आ गए कनाडा के, मैं भी सिचुएशन में पार्टी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ। सूरी आने वाला, उसके एसोसिएट्स आने वाले। वीरेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन हमने ऋतिक की शादी की ना। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अगर उनका मुंह बंद करना है तो ये पार्टी हो जाने दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे बचकर नहीं भाग रहे, बल्कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, लोग हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और कहीं उन सवालों का जवाब पूछते पूछते वो हमारे अतीत तक ना पहुंच जाए। हाँ, उनको कहीं ये ना पता चल जाए कि 20 साल पहले क्या हुआ था। और अगर उस राज पे से पर्दा नहीं उठाना है तो ये पार्टी होनी जरूरी है। समझिए बात को, ये पार्टी सबका मुंह बंद कर देगी। मैं फिलहाल तैयार होकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहीं से डायरेक्ट पार्टी में आऊंगा। तब तक आप सारे गेस्ट का ध्यान रखना। मैं यहाँ इस रूप में नहीं, मैं यहाँ किसी से रिश्ता जोड़ने नहीं, अपना इंतकाम लेने आई हूँ। मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना बदला किसी भी कीमत पर पूरा करूँगी। क्या पूरा करके रहोगी? कुछ नहीं, वो बॉलीवुड थीम पार्टी की कुछ तैयारियां बाकी है ना, बस वही। ओहो, अब तो काम की टेंशन लेना छोड़ दो, अब तो तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें बुरा लगा ना जिस तरह तन्वी ने तुमसे बात की? भला बुरा कहा तुम्हें? तुम्हें
तुम्हें भले ही बुरा ना लगा हो लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं जानता हूं अभी अभी हमारी शादी हुई है लेकिन अगर कोई भी तुम पर उंगली उठाए तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। बुरा लगता है अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ गलत करता है तो, और यही तो होता है ना शादी का एहसास, दोनों में से किसी एक को कोई कुछ भी कहे तो बुरा लगता है। दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक करता है उनका भरोसा। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए और फिर हम तो अब भी अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। बिल्कुल गलत सीखा है। अगर इंसान एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा? भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं बन पाता। हाँ भरोसे में ठेस लगने का डर लगता है पर अगर कोई समान है तो उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती। तुम भले ही करो ना करो मैं करता हूं तुम पे भरोसा। अचानक कैसे चला गया? मालिक काका कहाँ मर गए? मालिक काका, मालिक काका, मालिक काका, इस बार मुरझाए हुए फूल आए हैं। मालिक काका, क्या बकवास कर रही है तू? क्या बेहूदा बात कर रही है? फसल कैसे उगेगी मालिक काका जब तक तुम गार्डन में जाके नहीं खोदोगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आंकी जी, किसका दिमाग खराब हो गया है? तुमने अभी मुझे बोला ना पालिका का? आंकी जी, पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हुआ, तुम थी यहाँ पे, तुम थी। तुमने मुझे बुलाया मालिक काका, मालिक काका। नहीं अंकित जी, आप वॉशरूम चले गए थे ना, तब मैं यहाँ से चली गई, बस अभी आ रही हूँ। अभी आ रही? तो यहाँ पे कौन था? मैं आपको मालिक काका क्यों बुलाऊंगी? आप तो जानते हैं कि मैं आपको इस नाम से कभी नहीं बुलाऊंगी। अंकित जी, वह क्या?